मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया, मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में, हमारे टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है, जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट है होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। मैंने जब मिनिस्टर था, मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था, मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था, एक्सीडेंट एकदम। वो ऐसा है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कि दो एक लाइन में दो ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कॉल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, गीत का प्राण चला गया है, उस तो जिंदगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी, जो परिवार मर गया हर परिवार को, मेरे का टाइम में भी मैंने और को नौकरी दिया था। रेलवे का एक सिस्टम है, कोई इंसिडेंट होने से वो लोग 15 लाख रुपया करके देता है, कितना 10 ना 15 अभी 10 देता है। हॉट स्टेट का जो आदमी मर गया, हॉट स्टेट तो उसको मदद करेगा, फिर हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे, और रेल के साथ गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके, रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे, जब तक काम खत्म नहीं होगा। हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था, हमारा 40 डॉक्टर इधर में उच्च पहुंच चुका है, काम कर रहा है, हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है, और हम 2 बस भेजा था, उसमें जो थोड़ा सा इंजियर्ड है वो बंगाल में वापस चला गया। और हम रेल को भी कहने चाहूंगी कि अगर दो कैसे जाएगा, अभी तो इसमें रास्ता क्लियर नहीं होने से नहीं होगा। ऑलरेडी बालेश्वर से कोलकाता और इधर सोरो से भुवनेश्वर की तरफ लगातार शटल चल रही है, जो भी पेशेंट या जो भी पेशेंट्स के पैसेंजर्स के रिलेटिव्स आना चाहे या इधर से जाना चाहे उनके लिए पूरी सुविधा कर दी है, सुबह से शटल चल रही है। अच्छा, शटल चल रहा है, फिर हम भी बस भेज रहे हैं, किसी का कोई स्टेट गवर्नमेंट ने भी बसें, स्टेट गवर्नमेंट को भी बस भेजा है, बसें प्रोवाइड की उन्होंने, बस ने सब प्रोवाइड किया है, हम भी बस प्रोवाइड किया है। अगर कोई भी दिक्कत है कोई परिवार को और कोई भी दिक्कत है कोई रिलेटिव्स को, हमारा इधर में हमारा भी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हम ऑफिसर को 50 ऑफिसर को एक टीम इधर में टीम भेजा है, जो ओडिशा लैंग्वेज भी कह सकता है तो वो लोग भी उसको देख सकता है। हम चाहते हैं आप लोग कोऑपरेशन बहुत किया है और कोऑपरेशन करें, और जो मर गया है हमको तो कहने का कोई बात नहीं है, इसमें जरूर कुछ है, ये अच्छा से इंक्वायरी करके, इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है, 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है, सारा कंप्लीट हो गया दीदी। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो 238 है, 238 हमारा कल से है, कल से हमारा पास 238 है। लेकिन मेरे को जानकारी में ये भी है
तीन डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका, निकाल चुके वो जो है, वो जो है अब कर लीजिए। देखिए तो हमको जो बात बाकी है वो हम लोग मिलके कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी है, वी आर शॉक्ड फॉर दिस इंसिडेंट। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है, रेलवे को स्पेशली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन गैप हो गया है। रेलवे में 8 कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस था, अभी रेलवे को बजट भी नहीं होता है। रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया, मेरे को लगता है कि हम रेल में 3 साल काम किया है, रेल हमारा बच्चा का मुताबिक है। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द रेलवे फैमिली, इसी के लिए रेलवे का अगर मिनिस्टर कभी हमारा पास कोई सजेशन मांगे तो हम जरूर देने के लिए तैयार है। हम थोड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे, इसके बाद पीएम भी आएंगे मैं सुना है, तो इसी के लिए हम लोगों को टाइम का भी बात है। मैं नवीन जी को भी हमारा धन्यवाद देते हैं और हमारा वी आर ऑल्सो वर्किंग फुल नाइट। बांग्ला से के एखोनो पर्यंत तो हमरा लिस्ट पूरो पाइनी। इस वक्त आप सुन रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई हैं। वहीं पर मौजूद हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हादसा बेहद भीषण है, हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, हादसे के पीछे साजिश भी संभव है, एंटी कोलिजन डिवाइस शायद नहीं थी, ये बात जाँच में सामने आएगी और जो सेफ्टी कमीशन है उसके जरिए इसकी जाँच होनी चाहिए कि इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस क्यों नहीं लगाई।